हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात करना सीखेंगे। अगर ऐसे प्रश्न दे दिए जाएं तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे। क्यों गलत होगा? वो डायरेक्ट इसका मान ज्ञात कर देंगे, गुणनफल तो ज्ञात ही नहीं करेंगे। तो ऐसे प्रश्न देखिए देखने में कठिन लगते हैं लेकिन ईजी रहते हैं, बस देखने में कठिन लगता है। अभी मैं बताऊँगा, आपको समझ में आता जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए बोला है कि गुणनफल ज्ञात कर, फिर इसके बाद आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। इसके बाद यदि x बराबर 1 रखेंगे तो उसका क्या मान निकल आएगा। तो चलिए सबसे पहले गुणनफल ही ज्ञात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम गुणा करेंगे, x का पावर 2 इंटू 7 एक्स का पावर 5 इंटू 1 अपान 7 एक्स का पावर 3 इंटू माइनस 6 एक्स है। तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, 7 से आप 7 काट सकते हो। तो बचेगा क्या, x का पावर 2 बचेगा इंटू x का पावर 5 बचेगा इंटू x का पावर कितना 3 बचेगा इंटू यहाँ पर माइनस कितना है 6x है। अब यहाँ पर देखिए x का पावर कुछ भी नहीं, तो आप इसका पावर 1 लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए आधार क्या है, समान है, यानी x x x x है सब जगह। तो जब आधार समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, 5 दो 7 सात, 7 1 कितना हो जाएगा 8, 8 3 कितना हो जाएगा 9, 10 1 11 हो जाएगा। तो x का पावर कितना हो गया 11, और यहाँ पर इंटू माइनस 6 बचा हुआ है, इंटू माइनस 6 लिख लीजिएगा। अब इसे जब आप गुणा करोगे तो इसे क्या लिख सकते हो, माइनस 6, और x लास्ट में लिख लेना, x का पावर कितना हो जाएगा 11। जैसे x, जैसे यहाँ पर देखो 6 इंटू x लिखा हो तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 6x लिख सकते हो। अगर यही चीज़ इस तरह से लिखा हो, x इंटू 6 लिखा हो, तो इसका जब आप गुणा करोगे 6 में x का गुणा करोगे 6x लिख सकते हो। उसी तरह से माइनस 6 को हमने पहले कर दिया, यानी x का पावर 11 का गुणा इसके साथ किया तो माइनस 6x का पावर 11 आ गया। अब आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो आपने गुणनफल निकाल लिया, काफ़ी अच्छी बात है। गुणनफल का आंसर माइनस 6x का पावर कितना आ चुका है 11। अब अगर आपको मान याद करना है तो यहाँ पर दिया है x बराबर 1, तो ये जो x है इसकी यहाँ पर आपको 1 लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 6 इंटू x की यहाँ पर 1 लिखेंगे, और x का पावर 11 है तो ये इसका पावर क्या कर देंगे 11। अब देखिए अगर मैं 1 का पावर 2 लिखूँ तो इसका मान कितना होगा, 1 इंटू 1 यानी 1 ही होगा। इसका मतलब 1 का पावर कितना भी बड़ा कर दें उसका मान हमेशा 1 ही होता है। तो जब आप इसका मान निकालोगे तो माइनस 6, अब 6 1 के कितना हो जाएगा 6, 1 का पावर कितना भी बड़ा रहे उसका मान 1 ही होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस 6 होगा। ये क्या होगा, माइनस 6 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। और दूसरा उत्तर जो आपने गुणनफल निकाला था माइनस 6x का पावर कितना 11। तो पहला प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको डायरेक्ट करके इसका मान मत निकाल लीजिएगा। जब बोला है कि गुणनफल और मान दोनों निकालना है तो दोनों निकालिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए सेम उसी तरह से है, इसमें भी क्या पहले गुणनफल निकालना है फिर आपको मान बताना है। तो ये भी प्रश्न इजी है, बस ध्यान से समझना। यहाँ पर देखिए जब माइनस लगा देता है तभी बच्चों से क्या ऐसे प्रश्न गलती होते हैं, तो ध्यान से लगाइएगा। यहाँ पर देखिए 2x इंटू कितना है, माइनस 10x वाई का पावर 2 इंटू 3x का पावर 2y। अब इसे चाहूँ तो आपको मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो आराम से। जैसे यहाँ पर देखिए 2 है, जैसे ये संख्या है, ये भी है, ये भी, इनका आपस में गुणा करो। जब दो गुणे क्या करोगे, यहाँ पे माइनस 10 है, माइनस 10 इस तरह से लिख लेना, इंटू यहाँ पर कितना है 3 है, 3 लिख लेना। अब जब आप गुणा करोगे 10 दूना 20, 20 दिए कितना हो जाएगा 60 आएगा। अब यहाँ पे दोनों प्लस हैं लेकिन ये माइनस में, तो आपको पता होना चाहिए प्लस गुणे क्या माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस 60 होगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, माइनस 60 इस तरह से लिख लेते हैं। बच क्या रहा है, बच हमारा रहा है x, इंटू यहाँ पे x लिख लेना, यहाँ पे बच रहा है इंटू x इंटू कितना y का पावर 2। यहाँ पर आगे देखिए आपका क्या है, आगे आपका x का पावर 2 है तो x का पावर 2 इंटू यहाँ पे y है तो y लिख लेना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए x का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 कर देना, इसका भी पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पर y का भी पावर 1 हो जाएगा। अगर किसी भी चीज़ का पावर कुछ भी नहीं तो उसका पावर 1 लिख लेना। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे, माइनस 60 है तो माइनस 60 लिखेंगे। अब x का पावर 1 है, आधार देखिए समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, तो जो x वाले हैं पहले उनको सॉल्व करना। जैसे x है तो यहाँ पर x लिख लीजिएगा, इसका पावर 1 है तो 1 2 और आपका 2 2 कितना हो जाएगा 4, यानी x का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर y है तो y लिख लेना। अब यहाँ पर देखिए y का आधार क्या है, समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पे y का पावर 2 है, 2 1 कितना हो जाएगा 3, y का पावर कितना हो जाएगा 3। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल का आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछा था कि मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करने का मतलब ये जो आपका गुणनफल आया है
इसी में यक्स की जहाँ पर एक रखिए, वाई की जहाँ पर दो रखिए, तो इसका मान निकलेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग रखते हैं माइनस साठ है, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस साठ है, अब यक्स की जहाँ पर हमें एक लिखना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन का पावर कितना, फोर हो जाएगा, क्योंकि यक्स पावर फोर है। अब यहाँ पर वाई की जहाँ पर हमें दो लिखना है, यहाँ पर वाई का पावर थ्री है तो टू का पावर थ्री हो जाएगा। इनको जरा आप सॉल्व करना, माइनस साठ है तो माइनस साठ लिखेंगे, एक का पावर कुछ भी हो उसका मान एक ही होता है, दो का पावर तीन है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, टू इंटू टू इंटू टू हो जाएगा, दो दुना चार, चार दुना कितना हो जाएगा, आठ, यानी यहाँ पे आठ हो जाएगा। अब जब आप इनका गुणा करोगे तो डायरेक्ट आठ का गुणा साठ में कर लेना, आठ छः कितना हो जाएगा, अड़तालीस हो जाएगा, यानी माइनस चार सौ अस्सी इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। यानी इसका मान कितना निकल कर आया है, मान आपका माइनस चार सौ अस्सी आया है, और जो आपका गुणनफल का उत्तर आया था वो माइनस साठ एक्स का पावर फोर वाई का पावर कितना, थ्री आया था। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, ये थोड़ा मैं बेहतरीन तरीका बताया हूँ जिससे गलतियाँ नहीं होंगी, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। एक मेथड और मैं बता सकता था, वो और इजी रहता, और इजी रहता जिससे और अच्छा होता। अब अगर आप ये चीज़ समझ गए होगे तो इसी चीज़ को आप जैसे नॉर्मली गुणा किया जाता है तोड़ तोड़ कर, उस तरह से करोगे तो भी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए 2p इंटू माइनस 3q इंटू माइनस 4pq। ये वीडियो में आपको परसों बताया था इस टाइप के प्रश्न, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को HW दे देता हूँ, HW दे दूंगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे आप भी कुछ ना कुछ लगाओगे। तो जिन भी बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा वो क्या करिएगा, कमेंट में उत्तर कमेंट कर दी, यानी आप कमेंट कर दीजिएगा, जिससे अन्य बच्चे भी मिलाकर चेक कर सकें कि हमारा भी उत्तर सही आया हुआ है। जब एक ही टाइप के ढेर सारे कमेंट आते हैं तो बच्चों को समझ जाते हैं कि हमारा उत्तर सही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।